गर्मी के मौसम में ठंडी नदी के पास गौरी कौवी बैठी पका हुआ मीठा आम खा रही थी। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया गौरी को आम खाता हुआ देख रही थी। चिड़िया चिड़िया यहाँ आओ, मेरे पास आओ। चिड़िया गौरी कौवी के पास आ जाती है। क्या तुमने कभी आम खाया है? हाँ गौरी बहन, पिछली बार के मौसम में मैंने एक आम खाया था। लो लो, थोड़ा सा आम तुम भी खा लो। चिड़िया जैसे ही आम लेने के लिए अपना पंख बढ़ाती है तो गौरी कौवी आम अपने मुंह में डाल लेती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मीठा था ये आम, मजा आ गया। तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी कौवी हो, तुम दूसरों का जी ललचाती हो। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुम हर रोज किसान के खेत से फल चोरी करने जाती हो। जिस दिन पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी तुझे। कालू जी, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो, अब क्या मैं भूख से मर जाऊं? चोरी करूंगी तो पेट भरूंगी। इंसान बहुत जालिम होता है। गौरी भी बहुत जालिम है। मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन गौरी कौवी फिर से किसान के खेत में जाती है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर को जब किसान थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ की ठंडी छांव में लेटता है तो गौरी कौवी तुरंत वहां से उड़ती है और सीधी किसान के तरबूज के खेत में चली जाती है। गौरी कौवी एक बड़े तरबूज के पीछे छुपकर जीभ भर के तरबूज खाती है और एक टुकड़ा तरबूज का लेकर वहां से भाग जाती है। वो कल वाली ठंडी नदी पर जाकर बैठ जाती है। कबूतर और तोते, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। गौरी कौवी जाते हुए कबूतर और तोते को बुला लेती है। ये तरबूज बहुत ठंडा ठंडा और मीठा है, इसका स्वाद बहुत अलग है। गौरी लाओ, थोड़ा सा मुझे भी दो। ना ना, मैं तो अपने कबूतर भैया को दूंगी। मेरी गौरी बहन कितनी अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। दो दो, थोड़ा तरबूज मुझे दे दो। अपना मुंह खोलो। आ। मगर गौरी कौवी तरबूज अपने मुंह में डाल लेती है। कबूतर शर्मिंदा हो जाता है। लो खा लो गौरी का तरबूज, मैं तो चला। तोता वहाँ से चला जाता है। तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की है, तुम हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती हो। कबूतर भैया क्या करूँ, मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। गुस्से में कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। हर रोज की तरह आज जब गौरी कौवी किसान के तरबूज चुराने लगती है तो किसान वहाँ आ जाता है। गौरी को समझ नहीं आती कि वो कहाँ छुपे। वो अंदर से आधे खाए हुए तरबूज के अंदर छुप जाती है। कौन सा तरबूज तोड़ूं जो मेरी पत्नी को पसंद है? हाँ ये वाला तोड़ता हूँ। जिस तरबूज के अंदर गौरी कौवी छुपी हुई थी, किसान वही तरबूज तोड़कर टोकरी में रख लेता है। ये किसान मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, फंस गई हूँ मैं, अब इस तरबूज से बाहर कैसे निकलूंगी। जब शाम तक गौरी कौवी घर लौट कर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा परेशान हो जाता है। ये गौरी कहाँ चली गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई, कहीं पकड़ी ही ना गई हो। कालू कौवा परेशान होकर तोते के पास जाता है। यार तोते, मेरी गौरी पत्नी सुबह से घर नहीं आई, कहीं देखा है तूने उसे? मैं उससे बात नहीं करता, वो हर रोज तरह तरह के फल चुरा कर खाती है और मेरा जी लल जाती है। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी गौरी पत्नी नहीं मिल रही, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तो चाहता हूँ वो कहीं खो ही जाए, वो हर रोज मेरा जी लल जाती है, वो बहुत बुरी है, वो गंदी कौवी है। गौरी से सब तंग थे, इसलिए कोई भी कालू कौवे के साथ गौरी की खोज में नहीं जाता। कौवे भैया, मैंने सुबह देखा था गौरी कौवी किसान के खेत की तरफ जा रही थी। चिड़िया मेरे साथ चलो, हम गौरी को किसान के खेत में देख कर आते हैं।
फिर चिड़िया मान जाती। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। टुनटुनी के घर के पास ही बिल्लू बिल्ला भी रहता था। उस बिल्ली की दोस्ती टुनटुनी चिड़िया से थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार टुनटुनी चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये अंडे कितने सुंदर हैं। बस मेरे बच्चे सही सलामत अंडे से बाहर आ जाए तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की दिन रात देखभाल कर रही थी। एक दिन उस जंगल में एक चील आया। वो हमेशा पक्षियों को खाने की ताक में रहता था। एक दिन बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया से बातें कर रहा था। क्या बात है टुनटुनी, आजकल तुम दिखाई नहीं देती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्लू भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैंने अंडे दिए है ना, उसी की देखभाल में सारा दिन निकल जाता है। हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई जानवर आकर मेरे अंडों को ना खा जाए। पेड़ के पीछे से चील उन दोनों की बातों को सुन रहा था। अच्छा तो ये बात है, इस चिड़िया ने 3 अंडे दिए है। कई दिनों से मुझे पक्षियों के अंडे खाने का मौका नहीं मिला है। मैं जल्दी ही इसके अंडों को चट कर जाऊंगा। तभी चील मौके की खुराक में रहने लगा। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया के 3 प्यारे प्यारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। जाने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों घर में भोजन खत्म हो चुका है, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लो और मेरे सिवा कोई भी तुमसे दरवाजा खोलने को कहे तो तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम जब आओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। दूर बैठा चील ये सब देख रहा था। वो खुशी से झूमने लगा और टुनटुनी के दरवाजे के बाहर आकर बोला, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम लोगों से मिलने आई हूँ। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि माँ ने हमें मना किया है। बच्चों मैं तुम लोगों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ लाई हूँ। मिठाइयों का नाम सुनते ही बच्चों को लालच आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बच्चों ने जैसे ही दरवाजा खोला तभी चील ने झपट्टा मारकर एक बच्चे को पकड़ लिया और रफू चक्कर हो गया। ये देखकर बाकी 2 बच्चे जोर जोर से रोने लगे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और दरवाजा खुला देखकर डर जाती है। वो अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ देखती है कि बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो और तुम्हारी दीदी कहाँ है? मम्मा मम्मा, आपके जाने के बाद चील आया था, वही दीदी को ले गया। इतना सुनते ही टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? जिस बात का डर था वही हुआ। उन सबका रोना सुनकर बिल्लू बिल्ला वहाँ आ जाता है। बिल्लू भैया जल्दी मेरी बच्ची को बचाओ, वो चील मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। तुम फिक्र मत करो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर आता हूँ। बिल्लू बिल्ला ने दौड़ लगाई और टुनी को ले जा रही चील पर हमला कर दिया। अचानक हमले से चील घबरा गया और उसके मुंह से टुनी छूट गई। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ गई और सही सलामत टुनी को पाकर बहुत खुश हुई। उधर बिल्लू बिल्ला ने उस चील को बुरी तरह से घायल कर दिया। उस दिन के बाद से चील फिर कभी जंगल में दिखाई नहीं दिया और टुनटुनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।